हेलो एवरीवन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सी बैकग्राउंड और ईसी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले हम मैं आपको कुछ प्री रिक्वेस्टिक बता देता हूं कि आपके प्लेसमेंट्स और इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे मोस्टली इसमें कवर कर दिए जाएंगे तो आपको बस वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को नोट्स करना है उस क्वेश्चन को नोट्स कर देना है और मैं वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगा आई विल प्रोवाइड यू द रिटर्न नोट्स और द पी डी एफ फॉर्मेट फॉर ऑल द नोट्स एंड क्वेश्चन सो स्टे टून और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो इट वी बिफोर एक्चुअली गोइंग इन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये एक मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कभी कभी तो वॉट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बच्चा बच्चा अब जानता है कि कंप्यूटर इज़ अ जनरल परपज़ डिवाइस तो मैं इसको प्रॉपर वे में कुछ एक डेफिनेशन बना के लिख देता हूँ आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा फिर कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज़ होता है जो हमको फिजिकली डेस्क पे देखने मिलता है जैसे कि कीबोर्ड हो गया माउस हो गया सी पी यू प्रिंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाउ फॉर सेम पर्पज़ वट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एक क्या होता है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि स्टोर्ड होता है कम पी सी में सी पी यू में जो एग्जीक्यूट करता है बाय कंप्यूटर सिस्टम इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो दोनों में डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जो कि यूज़र के लिए होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को और प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जो रन करता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझे नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं पर अब हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन वगैरह कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है एक टास्क कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है वो हम डीपली सीरीज़ में पढ़ेंगे सो लेट अस लुक फॉर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम लैपटॉप चलाते हैं वो लैपटॉप या पी हो गया फ़ोन्स हो गए तो विंडोज़ लिनक्स ओबन टू मैक ओ एस मतलब आ, आई आईफोन वगैरह लैपटॉप हो गए मैक के और फोन्स एंड्रॉयड के फ़ोन्स हो गए तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अब इन लोग ने मार्केट में कुछ अब कब्ज़ा जमा रखा है जैसे कि विंडोज़ का मार्केट में सेवेंटी सिक्स टू सेवेंटी एट परसेंट का कैप्चर है मार्केट में मोस्टली लैपटॉप्स विंडोज़ के होते हैं मैक के सेवेंटीन परसेंट कुछ है ले उबन टू और लिनक्स के पार्शली डेट और मैक्सिमम मार्केट बना है फ़ोन्स में एंड्रॉयड के ऑलमोस्ट अबाउट एटी परसेंट ऑफ मार्केट इज़ कैप्चर्ड बाय एंड्रॉयड फ़ोन्स फ़ोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के ज्यादा हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओ लिख सकते हैं इज़ ए प्रोग्राम डेट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर और वी कैन ऑल्सो से इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर जो बोलते ना एक जरिया है एक पाथ है कंप्यूटर यूजर्स के लिए और उस कंप्यूटर हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए अभी कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या चीज़ आता है पहले हम वो देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स रिसोर्सेस लाइक सीपीयू, मेमोरी हो गया मेमोरी क्या हो गया प्राइमरी मेमोरी रैम सेकेंडरी मेमोरी रोम इनपुट आउटपुट डिवाइजेस व्हाट आर इनपुट डिवाइेज माइक हो गया जिससे हम कोई इनपुट देते हैं कीबोर्ड हो गया कि हम कुछ टाइप करके इनपुट दे रहे पीसी को कि तुम ये परफॉर्म करो माउस हो गया हम लोग स्क्रोल करते हैं ये सब फिर आउटपुट डिवाइस हमको जिससे आउटपुट मिलता है वो सब क्या क्या है मोनिटर हो गया प्रिंटर स्पीकरस दे ऑल आर आउटपुट डिवाइज नाउ लेट्स लोक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो हाउ वी विल परफॉर्म एक यूजर को सब सपोज ही वॉन्ट टू टाइप समथिंग वॉट ही डू ही विल डायरेक्टली कनेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर सो कनेक्टिंग विद कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नॉट सची वी हैव टू कोड फॉर दैट अब उस कोडिंग के लिए एक नॉर्मल यूजर तो कोड नहीं कर पाता है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए पाथ बिटवीन computer हार्डवेयर एंड computer यूजर्स यू कैन लुक to दिस पिक्चर यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स है कोई वर्ड परफॉर्म कर रहा है कोई वर्ड स्पेसिट पैक सम प्रोग्रामर विल डू कम्पाइलिंग वर्क वेब डिज़ाइनिंग वेब ब्राउजर दिस ऑल थिंग्स विल बी डन इन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर सो अब ये यूजर्स जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जैसे वर्ड में कुछ टाइपिंग करना होगा तो उसने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया मीनस हार्डवेयर पर इनपुट दिया यूज़र ने अब वो सिस्टम में जा रहा है एक आउटपुट डिस्प्ले होगा सो so, उस पूरे फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स को और हार्डवेयर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है जो भी सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम के एप्लीकेशनस हो गए वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा अपने अंदर और फिर वो आउटपुट दिखाएगा जो हमको स्क्रीन पे दिखता है जैसे कंपाइलिंग करते वक्त हम लोग एक सोर्स कोड लिख देते हैं फिर हम लोग टर्मिनल में जाके आउटपुट देखते हैं तो अभी हाउ द कंप्यूटर विल नो कि हमको ये आउटपुट रन करना है क्योंकि वी रोड कोड फॉर डैट तो वैसे हर एक चीज़ के लिए कोड लिखना ये नॉर्मल इंसान के लिए ईजी नहीं है इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोवाइड करता है वो पाथ कि आप जो भी यूजर्स को डालो यूजर्स डालेंगे वो हार्डवेयर उसको लेके इनपुट आउटपुट कर देगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से मोर क्लियरली अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर ये हमने पढ़ ही लिया था फिर इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑल द रिसोर्स एलोकेशन सी पी यू मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट और भी बहुत टास्क करने का सबका का रेस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है ये दिमाग में बिठा लीजिए फिर तो पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ए प्रोवाइड एन एनवॉर्मेंट इन विच द यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन मोर कन्वीनियंट एंड एफिशियंट मैनर कन्वीनियंट एंड एफिशियंट ये दो तो वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन लिखते वक्त मस्ट हैं इसको इंक्लूड करना चाहिए अब हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे जो कि हमको और डीपली आगे पढ़ेंगे जैसे कि बैच ओ एस हो गया टाइम शेयरिंग ओएस डिस्ट्रीब्यूटेड ओ एस नेटवर्क ओ एस रियल टाइम ओ एस मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग ये सब कुछ टाइप्स है ऑफ ओ एस के गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चार पांच गोल्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पूरे प्रोसेस में फॉलो करता है दैट इज फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस दैट इज ईज ऑफ वर्क एफिशिएंसी प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन या फिर दोनों हो सकता है बोथ मिनिमल यूजर इंटरफेस एंड एनर्जी कंजर्वेशन दिस आर सम गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एग्जाम्पल्स दो सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो हो गया माइक्रोसॉफ्ट का डॉस मीन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1981 में रिलीज़ हुआ था ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं जो 1981 में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे थे फेमस थे ये फिर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं जो जो बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है एटलास का बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ है उस टाइम पे इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को हैंडल करना था दैन वी विल लुक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द टी एच ई ये नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रा ने बनाया था नाइनटीन सिक्सटीज़ में ये उस टाइम बहुत फेमस हुआ था फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी टी एस एस एम आई टी यूनिवर्सिटी में बन, बन के तैयार हुआ था नाइनटीन सिक्सटीज़ के टाइम पे ये भी थे दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो वी विल नॉट इंक्लूड एवरी थिंग इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो सो लेटेस्ट लुक फॉर द फंक्शन ऑफ ओ एस Uh, it is an interface between user and hardware, and the allocation of resources, the CPU management, the resource management, file management, all this comes here. That is the main function of OS, and the management of memory, security, etc., are the different functions of OS. Look at some of the operating system, or what you can say. Uh, examples here with these pictures how the evolution came from the big big pcs softwares the supercomputers the small windows mac os and these things operating system is an interesting chapter or interesting topic so learn eagerly you will get every topic or every notes i will provide in the next lecture so till then support us subscribe and stay tuned